हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी रेंज है जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। पीनट ऑयल उन्हीं में से एक है जो बहुत ही हेल्दी और वेजिटेबल ऑयल है और साथ ही उसके वंडरफुल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीनट ऑयल, जिसमें मैं आपको बताऊँगी उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स, उसके बेनिफिट्स, आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे पीनट ऑयल के थोड़े से पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करें तो एक टेबलस्पून ऑयल में कैलोरीज होती हैं 119, यानी कि 119 कैलोरीज। फैट्स होते हैं 14 ग्राम्स। इसके साथ ही इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन ई, जो 11% ऑफ आरडीए होता है। इसके अलावा इसमें बहुत ही ज़्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जो हमारी बॉडी, स्किन, हेयर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जनरली पीनट ऑयल्स तीन तरीके से होते हैं। एक होता है रिफाइंड पीनट ऑयल, दूसरा होता है कोल्ड प्रेस्ड पीनट ऑयल, और एक होता है गॉर्मेट पीनट ऑयल। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे हेल्दीस्ट वैरायटी की, वो है कोल्ड प्रेस्ड पीनट ऑयल, जिसमें पीनट को बहुत ही लो हीट में स्लोली क्रश किया जाता है, जिससे ऑयल रिलीज होता है और मूंगफली के न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर भी रिटेन रहते हैं। जनरली ये शैलो कुकिंग या फिर डीप फ्राई में यूज़ किया जाता है। दूसरे तरीके का ऑयल हो गया गॉर्मेट पीनट ऑयल। ये भी एक तरीके से अनरिफाइंड ही होता है, बस इसमें पहले पीनट्स को रोस्ट किया जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग नटी फ्लेवर देता है पीनट ऑयल में, और ये हम जनरली स्टर फ्राई डिशेस में यूज़ करते हैं और या फिर एज अ सैलेड ड्रेसिंग। चलिए अब हम अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पीनट ऑयल इज़ हाई इन मोनो अनसैचुरेटेड फैट, मतलब कि जिसकी वजह से इस ऑयल में हम हाई हीट में कुकिंग कर सकते हैं। ये इजीली डीप फ्राई या जिसमें लॉन्ग टाइम कुकिंग होती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इस ऑयल को। इसका स्मोकिंग पॉइंट होता है 225 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे बड़ी बात है डीप फ्राई करने में ये उस फूड के फ्लेवर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो हम दूसरे ऑयल के कंपैरिजन में इसे रीयूज़ कर सकते हैं। पीनट ऑयल इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करता है और बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ में विटामिन ई इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। विटामिन ई के साथ ही इसमें मिलता है विटामिन B12, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी ये पीनट ऑयल उन्हें बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये भी सब पीनट ऑयल में होता है, जो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये हर एज ग्रुप का आदमी कंज्यूम कर सकता है। पीनट ऑयल ओल्ड एज में होने वाली प्रॉब्लम से भी हमारी हेल्प करता है, जैसे कि ओल्ड एज में ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ में इस एज में होने वाली कैटरेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि जो पीनट ऑयल रेगुलरली यूज़ करते हैं, ये ऑयल डायबिटीज़ में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। अगर पीनट ऑयल का हम कॉस्मेटिक यूज़ देखें तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। कुछ कल्चर में तो इसके ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ऑयल्स में यूज़ होता है, और साथ ही साथ में ये कई तरीके के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में एक बेस ऑयल का भी काम करता है।
अगर आप बच्चों की बात करें तो बच्चों को तो पीनट वैसे भी स्नैक में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है, साथ ही साथ अगर पीनट ऑयल को आप डीप फ्राई, शैलो फ्राई या फिर आप उसको सौदे करने के लिए यूज़ करेंगे तो वो भी बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा करेगा। तो आप चाहें तो पीनट ऑयल को किड्स के स्नैक्स प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल में रिफाइंड ऑयल को यूज़ करना आजकल बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, हर घर में यूज़ होता है। प्रॉब्लम ऑयल में नहीं है, प्रॉब्लम टाइप ऑफ ऑयल में है। इट मींस ऑयल से इतने इश्यूज नहीं होते हैं जितने कि रॉन्ग चॉइस ऑफ ऑयल से होते हैं। तो हमें भी रिफाइंड ऑयल को किसी वर्जिन ऑयल या प्योर ऑयल से रिप्लेस करने की ट्राई करनी चाहिए। अगर हम पीनट ऑयल के पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज की बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि किसी किसी को पीनट से एलर्जी होती है, तो आप ये चेक कर लें कि कहीं आपको पीनट से एलर्जी तो नहीं है, जिससे कि आपको कुछ स्किन प्रॉब्लम या माइल्ड से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। सेकंड है कि इस ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, मतलब कि सूजन, जलन। और अगर ये आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो आपको ओबेसिटी या वेट गेन भी करा सकता है। तो कोई भी ऑयल हो जिसमें कि पीनट ऑयल भी आता है उसको सही मात्रा में लेना ही बेनिफिशियल है। अगर आप उसको सही क्वांटिटी में लेंगे, यानी कि कम लेंगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, रिकमेंडेड क्वांटिटी है, तो उससे एक तो आपको कई स्टमक की प्रॉब्लम से भी आपको हेल्प मिलेगी और साथ ही इसके साथ आपको कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। सबसे बेहतर होगा कि आप इस ऑयल के बेनिफिट्स लेने के लिए या तो इसे रॉ कंज्यूम करें और या फिर इसे एज अ सैलेड ड्रेसिंग यूज़ करें या फिर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। अगर आप किसी भी ऑयल को ओवर कुक करते हैं तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाता है। तो लीजिए, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपको पीनट ऑयल के बेनिफिट्स बताने के लिए, उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स बताने के लिए, आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आपको इसके साथ क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में।